प्यारी बहनों, आज हम करियर डे के उपलक्ष्य में आपके सामने आपके करियर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हमने यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम 10वीं उत्तीर्ण हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमें आगे क्या करना है, तो हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम 10वीं उत्तीर्ण हैं तो हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसमें भी 4 डिप्लोमा है, वैसे तो इसमें अनेक डिप्लोमा है पर हमने मुख्यतः यहाँ पे 4 ही लिए हैं। सबसे पहले मैकेनिकल डिप्लोमा, फिर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा और सिविल डिप्लोमा। फिर इसके बाद हम IIT भी कर सकते हैं, ITI भी कर सकते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर और स्टेनो है। फिर उसके बाद अगर हम 12वीं उत्तीर्ण है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें 3 वर्ग आते हैं, विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग। तो हम विज्ञान क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं आपको, इसलिए यहाँ पे 3 वर्ग हैं। सबसे पहला गणित विज्ञान वर्ग, जीव विज्ञान वर्ग, कृषि विज्ञान वर्ग। गणित विज्ञान वर्ग में इंजीनियरिंग, वायुसेना, नौसेना, मर्चेंट नेवी है और इस इंजीनियरिंग में भी हमें बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं, तो हमने इसमें मुख्यतः थोड़े बहुत ही लिए हैं। इसमें सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। फिर जीव विज्ञान वर्ग में हम ANM थर्ड ग्रेड नर्स बन सकते हैं, उसके बाद GNM सेकेंड ग्रेड नर्स और पैरामेडिकल। इसके भी 4 पार्ट है। इसमें लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, ऑपरेशन सहायक है। उसके बाद आता है चिकित्सक, इसमें एलोपैथिक चिकित्सक जिसमें हमें MBBS की डिग्री प्राप्त होती है। फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक जिसमें BA MS की डिग्री प्राप्त होती है। और हेमोपैथिक चिकित्सक इसमें हमें BHMS की डिग्री मिलती है। और पशु चिकित्सक BBSC एंड AH की डिग्री मिलती है। उसके बाद हम कृषि विज्ञान वर्ग में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं। इसमें एग्रीकल्चर, बैंक में सर्वे और उद्यान अधिकारी। थैंक यू।